please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या सेक्स स्कैंडल में घिरे क्रिकेटर मोहम्मद शमी का परिवार के बाद करियर भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। ये मुद्दा इसलिए गर्म होता जा रहा है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने बीसीसीआई को खत लिखकर शमी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के रूट के बारे में जानकारी मांगी है। कोलकाता पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या शमी भारत आने से पहले दुबई में रुके थे, क्योंकि शमी की पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया कि शमी दुबई में पाकिस्तानी लड़की से मिले थे। और इस बीच बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अभी तक कोलकाता पुलिस की तरफ से उसे शमी के बारे में कोई चिट्ठी नहीं मिली है। तो ये आरोप शमी की पत्नी ने लगाए थे और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि शमी ने दुबई में एक पाकिस्तानी लड़की के साथ मुलाकात की है। तमाम आपत्तिजनक आरोप भी शमी की पत्नी ने इसको लेकर लगाए थे और जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें बकायदा इस बात का जिक्र था। और इसीलिए कोलकाता पुलिस ने बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखकर ये बात पूछा है, ये बात पूछी है कि दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौटे थे तो रूट क्या था, क्या वो दुबई के रास्ते भारत आए थे और कितनी देर के लिए वहां पर रुके थे। इन तमाम बातों की जानकारी कोलकाता पुलिस ने मांगी है चिट्ठी लिखकर बीसीसीआई को। सभी चम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो कौन कौन से हैं मुद्दे जिनको लेकर अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए पिछले तो शनिवार को कम से कम 5 घंटे जो है जहां खुद स्वयं जो है मुख्यालय में कोलकाता पुलिस में बैठी थी, वहां काफी सारी बातचीत होने की जो है हमारी जो सूचना में है वो 5 घंटे गुजार कर उनकी हुई है। लेकिन इसके अलावा आज जो सूत्रों के हवाले से हमें जो सूचना मिल रही है कि कोलकाता पुलिस ने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बीसीसीआई से ये जानने की कोशिश की है कि शमी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो क्या वो दुबई गए थे, और दुबई अगर गए थे तो फिर वो वहाँ कैसे रुके या कितने समय के लिए रुके। इस तरह की एक जो है बातचीत कम्युनिकेशन की खबर जो है हमें मिल रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि बीसीसीआई की तरफ से रुक गया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी उनको मिली नहीं है, और अभी किस और एंगल से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें पुलिस देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये जो दोनों पक्ष हैं ये अब आगे कैसे सामने आते हैं। हमारी जो सूचना हमें मिल रही है उसमें यह है कि शमी ने जैसा कि कल भी आपको याद होगा कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, उनके लोग कोलकाता में परिवार की ओर से बात करने के लिए आए हुए हैं या आना चाह रहे हैं। हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आज भी वो समय हो सकता है जब उनके परिवार के लोग जो अब तक मीडिया के सामने नहीं पहुंचे हैं कोलकाता में, वो आज जहान के लॉयर से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सेकेंड हाफ या जो है अब जो है आज होने की संभावना इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहले भी 2 दिन भी ये लोग यहाँ आए थे ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो है मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखी है। जहाँ तक शमी की बात है वो वहाँ से बता रहे हैं कि उनके लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ दोनों का सही सुलह नहीं होती तो अगला रास्ता कोर्ट है। हालांकि इससे पहले शमी कह चुके हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि सुलह हो जाए। नजर बना रहे कि लौटेंगे आपके पास।